तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीर सिंह आर्ट्स। फ्रेंड्स, आज मैं सोनू सूद सर का पोर्ट्रेट ड्रॉ करने वाला हूँ, जिसका आउटलाइन मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया है और जो कि कुछ ऐसा है। ये है रेफरेंस फोटोग्राफ्स। सो फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग दिस पोर्ट्रेट, मैं एक बेसिक थंब रूल बता दूं रिलेटेड टू पोर्ट्रेट ड्राइंग, कि आपको रेफरेंस फोटोग्राफ्स को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना रहेगा रिलेटेड टू उसका डार्क वैल्यूज, लाइटर वैल्यूज, जो कि आप अगर जितने अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे आपका पोर्ट्रेट डेफिनेटली उतना अच्छा बनेगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आईज और हेयर ड्रॉ करूँगा, और इसके लिए मैंने 2B और 4B पेंसिल का यूज़ किया हुआ है। जब भी आप पोर्ट्रेट ड्रॉ करें तो एक ब्लैंक शीट ज़रूर रखिए, क्लीन ब्लैंक शीट, जिससे आपके ड्राइंग जो है वो आपके हाथों के मॉइस्चर की वजह से डैमेज नहीं होगा। अभी इतना ड्रॉ हो चुका है, मैंने एक लेयर जो है कंप्लीट ड्रॉ कर लिए हैं और हेयर मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट है। मैं थोड़े थोड़े हाइलाइट्स और जो है डिटेल वर्क आईज और फेस पे करूँगा। यहाँ हाइलाइट्स के लिए मैंने टोम्बो मोनो 0 इरेजर का यूज़ किया हुआ है। सो फ्रेंड्स, पोर्ट्रेट ड्रॉ हो चुका है, इसको अच्छे से क्लीन करते हैं। अभी बैकग्राउंड ड्रॉ करेंगे, और बैकग्राउंड मैंने ब्लैक रखा हुआ है, और इसके लिए मैंने कार्बन पाउडर यूज किया है, जो कि नॉर्मल सा ऐसे सैंड स्टिक पे इसको रब करके जनरेट किया है, और एक ब्लेंडिंग ब्रश से, नॉर्मल जो मेकअप ब्रश रहता है उससे अच्छे से ब्लेंड करेंगे। ब्लेंडिंग में बिल्कुल भी प्रेशर अप्लाई नहीं करना है, एक यूनिफॉर्म प्रेशर से हम जो है कार्बन पाउडर को स्प्रेड करेंगे।
सो फ्रेंड्स, अभी बैकग्राउंड हो चुका है जो कि कुछ ऐसा है, और मैं लाइट प्रेशर से ही जो कार्बन पार्टिकल्स है उसको क्लीन कर रहा हूँ। अभी यहाँ मैं नीडेबल इरेजर से एक्स्ट्रा कार्बन पार्टिकल रिमूव कर रहा हूँ। इसको अच्छे से क्लीन करके ही हम जो है फिक्सेटिव स्प्रे करेंगे। फिक्सेटिव हमेशा ओपन एरिया में करिए और प्रॉपर मास्क लगा के करिए, बिकॉज ये हार्मफुल एरोसोल होते हैं और ये आपके लंग्स को डैमेज कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने ब्रिस्टो का यूज़ किया है फिक्सेटिव स्प्रे। सो फ्रेंड्स, ये रहा फाइनल आर्टवर्क। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।